हेलो स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो आपके जो एल्डर्स होते हैं वो हमेशा आपको ये कहते हैं कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लींसिस को वेट हैंड से नहीं टच करना चाहिए तो क्यों कहते हैं वो हमेशा ऐसा और क्यों ये हमेशा डेंजरस होता है टू टच एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस विद वेट हैंड्स तो हमने अपनी अर्लियर क्लासेज में क्या पढ़ा है दैट मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो मटीरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उनके थ्रू पास होने के लिए तो उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ऑन द अदर हैंड मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली दे आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हम अपनी अर्लियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं राइट right? तो हम क्या होते हैं हम हमारी जो बॉडी होती है वो भी एक गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसलिए कहा जाता है कि हमें वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लेंसेस को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो करंट है वो फ्लो करेगा हमारी बॉडी में एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस सो इन क्लास सिक्स वी मेरे टेस्टर हमने एक टेस्टर बनाया था टेस्ट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर मटीरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है या नहीं तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इन चीज़ों को बनाने के लिए तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि जो मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल सच एज रबर प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स जो मेटल है जो एल्यूमिनियम है कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और प्लास्टिक वुड रबर पेपर ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है राइट हाउ सो फार वी हैव यूज आर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल व्हिच वर इन सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल्स थे उनको टेस्ट करने के लिए हमने टेस्टर बनाया था बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे डू लिक्विड्स कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब ये आपको चेक करने के लिए कि लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं या नहीं वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर अब हम सेम टेस्टर को यूज़ करेंगे और आप सेल को रिप्लेस कर सकते हो किसी बैटरी से बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट टेस्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं वो हमें चेक करना है तो आप इसको करेंगे एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट टू परफॉर्म करके इसमें आपको क्या करना है कुछ स्मॉल प्लास्टिक की बॉटल्स या रबर कैप्स आपको कलेक्ट करनी है discarded bottles की on and then clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. एक cap में आपको lemon juice या vinegar pour करना है इसके बाद आपको टेस्टर को लेके आना है ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर ड्रिप एंड टू द लेमन जूस और विनेगर राइट टेक केयर दैट द एंड आर जो एंड है वो ना तो वन सेंटीमीटर से अपार्ट हो और ना ही बिल्कुल टच कर रहे हों फिर आपको टेस्ट करना है कि वेदर द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो क्या बल्ब ग्लो करेगा अगर बल्ब ग्लो ग्लो करता है इट मीन्स दैट विनेगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है राइट वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर अगर बल्ब ग्लो करता है तो विनेगर या लेमन जूस गुड कंडक्टर है अदरवाइज वो पुअर कंडक्टर है तो जब हम क्या करेंगे वन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट एंड द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो ये दो कंडीशन है ये हमने पढ़ रखी है ये हमें पता है लेकिन अगर हम इस केस की के बात करें लेमन जूस या विनेगर की बात करें तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये राइट सो इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो इट मे हैव हैपन इन एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट टू अच्छा डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज वेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट बल्ब क्यों ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये हम पढ़ चुके हैं फिलाेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर सी जब करंट पास होगा तो जो बल्ब का फिलाेंट है वो हीट होगा हाई टेम्परेचर की वजह से एंड देन इट्सटार्ट ग्लोइंग सो दिस इज़ नोन एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हाउ एवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक अगर करंट जो है वो बहुत ही वीक है तो जो फिलाेंट होगा डज नॉट गेट हीटेड सफिशियंटली तो वो सफिशियंटली हीट नहीं हो पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा राइट right? तो जो विनेगर है या जो लेमन जूस है उसमें क्या होता है वो वीक होता है वीक मीन्स कि उसमें करंट फ्लो करेगा लेकिन बल्ब प्रॉपरली पूरी तरह से ग्लो नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं कि हम मटेरियल्स को इस तरह से कैटेगराइज़ नहीं करते हैं कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में कैटेगराइज नहीं करते हैं हम उन्हें कैटेगराइज़ करते हैं गुड कंडक्टर में और पुअर कंडक्टर में इट मीन्स की कुछ स्पेशल कंडीशन में ऐसा होता है कि वो ग्लो करते हैं कुछ में नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से इंसुलेटर कह दें क्लियर तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक वेल दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज अ मेटल तो यहाँ पे कंडक्ट तो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उतना ईजीली नहीं हो रही है जितना कि मेटल्स में होती है इट मीन्स जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है उसमें बहुत ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है बल्ब को ग्लो करता है राइट सो एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कम्प्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो तो इस केस में क्या हुआ कि जो करंट था वो बहुत वीक था जिससे कि वो बल्ब को ग्लो नहीं कर पाया

Wire. क्या हुआ था कम्पास नीडल में जब उसके नियर बाय करंट फ्लो हो रहा था एक वायर में तो जो कम्पास था वो क्या हो रहा था डिफ्लेक्ट हो रहा था इवन इफ द करंट इज स्मॉल स्मॉल करंट को भी क्या हो गया था डिफ्लेक्शन उसमें शो हो रहा था मैग्नेटिक नीडल में सो कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करके हम न्यू टेस्टर बनाएंगे इसके लिए हम एक्टिविटी 14.3 परफॉर्म करेंगे इसमें आपको एक एलईडी यूज़ करनी है इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे इन द टेस्टर तो एलईडी जो होगी वो ग्लो करेगी जब इवन वीक इलेक्ट्रिक करंट भी उससे फ़्लो करेगा तब भी एलईडी ग्लो करेगी तो इसमें दो वायर्स होंगे जिन्हें हम लीड्स कहेंगे अटैच करना है उन्हें हमें एल से वन लीड स्लाइटली लॉन्गर होगी दूसरी वाली से अब जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे सर्किट से तो जो लॉन्गर लीड होगी वो हमेशा कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी और जो शॉर्टर वाली होगी उसे कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी राइट सो फोर्टीन पॉइंट थ्री में हमें क्या करना है ट्रे लेनी है फ्रॉम इनसाइड अ कार्डेड मैच बॉक्स डिस्कार्डेड मैच बॉक्स की हमें ट्रे लेनी है अब उसमें इलेक्ट्रिक वायर को रैप करेंगे फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे एज यू कैन सी हेयर प्लेस अ स्मॉल कंपस नीडल कंपस नीडल रखेंगे उसमें नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी लीव द अदर एंड फ्री दूसरे एंड को हमें फ्री छोड़ना है अनदर पीस ऑफ वायर लेना है हमें कनेक्ट करना है टू द अदर टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी अब दोनों फ्री एंड्स को हम ज्वाइन कर देंगे द कम्पस नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी सो फोर्टीन पॉइंट टू एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है और फिर आपको डिफ्लैक्शन चेक करना है कि कंपस में डिफ्लैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए आपको यू डप द फ्री एंडस ऑफ़ द टेस्टर इन लेमन जूस टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्राम द लेमन जूस डिप दैम इन वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड एज टैप वाटर अब आपको ये एक्टिविटी बाकी मटीरियल्स के साथ में करनी है लाइक टैप वाटर वेजिटेबल ऑयल मिल्क हनी इन सब के साथ में इसमें आपको वॉश करना है वाइप करना है दोनों एंड्स को टेस्ट करने के बाद हर एक लिक्विड को टेस्ट करने के बाद आप इन्हें वॉश करोगे एंड ड्राई करोगे इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज रिफ्लेक्शन और नॉट हर एक केस में आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक नीडल रिफ्लेक्शन शो करेगी या नहीं करेगी और फिर आपको उसे रिकॉर्ड करना है टेबल फोर्टीन पॉइंट वन में कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है लिक्विड के तो जो लेमन जूस होता है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा इस केस में राइट इसी तरह से विनेगर विनेगर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा वो भी गुड कंडक्टर हो जाएगा टैप वाटर वेजिटेबल ऑयल मिल्क हनी इन सब को आपको चेक करना है तो टैप वाटर में आयन्स होते हैं तो वो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा वेजिटेबल ऑयल में आयन्स नहीं होते हैं तो ये शो नहीं करेगा मिल्क में वाटर और एसिड दोनों होते हैं तो एसिड बेस और सॉल्ट इन तीनों के सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीडल डिफ्लैक्ट डिफ्लेक्शन करेगी एंड इट विल बी गुड कंडक्टर इन द केस ऑफ़ हनी हनी में क्या होता है हनी शुगर होती है और इसमें किसी तरह का कोई एसिड नहीं होता है तो यहाँ पे डिफ्लैक्शन uh, नहीं होगा एंड इट विल बी पुअर कंडक्टर राइट तो अब यहाँ से हमें पता चला है कुछ लिक्विड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सो वेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम जब दो फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते तो उनके बीच में एयर गैप होती है अब पहली जानती है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में रीड किया है कि लाइटनिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है एयर के थ्रू नाउ शी इज़ वीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन एंड दिस मेक्स बूजो आज टूवेदर अदर मटीरियल्स क्लासीफाइड एज पुअर कंडक्टर्ज ऑलसो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इंड certain कंडीशंस कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल्स को हम कुछ स्पेशल uh, कंडीशंस में पुअर कंडक्टर कहते हैं और कुछ में नहीं तो एक्चुअली होता क्या है अंडर सर्टेन कंडीशंस में मोस्ट मटीरियल्स क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई द मटीरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स तो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं गुड कंडक्टर्स में और पुअर कंडक्टर्स में उन्हें पूरी तरह से कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में क्लासिफाई नहीं करते क्लियर सो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर ये हम कर चुके हैं टैप वाटर से अब हम देखते हैं कि डिजटल वाटर के साथ में कंडक्शन होता है या नहीं होता है टैप वाटर में क्या होता है कि जो टैप वाटर होता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है उसमें आयंस डिजॉल्व रहते हैं एंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन डिजटल वाटर प्योर माना जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है टू टेबल्स टेबल फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल नाउ यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट What do you find? दस distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt. तो जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बट इफ़ वी एड अ uh, pinch ऑफ कॉमन सॉल्ट इन distilled वाटर और फिर से अगर हम टेस्ट करें तो इस टाइम पे क्या होगा डिस्टल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा उसमें आयन्स हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड के एनी पॉजिटिव सी एल नेगेटिव के और इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी वाटर दैट वी गेट फ्राम सोर्सेज ऑच ए स्टैप हैंडप वेल्स एंड पॉन्स इज नॉट प्योर इट मे कंटेन सेवरेज सॉल्ट डिजॉल्व इन इट सो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरल प्रेजेंट इन इट टैप वाटर में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में मिनरल सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन डिस्टल्ड वाटर में फ्री सॉल्ट नहीं होते इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन जब हम उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सो स्टूडेंट्स आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू नेक्स्ट टॉपिक Chemical effect of electric current we will discuss in our next class. Thank you.